और ये देखो हमारे घर पे एक छोटी सी जीनी आ गई है। जीनी, कल शाम को हमारे घर पे कोई स्पेशल पर्सन आया था और उन्होंने अभी अभी नायरा के लिए अमेज़ॉन से आया है एक पार्सल। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और जी हाँ, हम लोग आज जल्दी उठ गए। एक्चुअली मैं जल्दी उठ गई, मुझे सुबह सुबह एक अर्जेंट कॉल आ गया था और फिर मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं सो जाऊँ, पर मैं सो नहीं पाई। तो बस मैंने सोचा कि फटाफट उठ के नाश्ता करते हैं, आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो नायरा थोड़ा टाइम से पहुंच जाएगी। और जैसे ही मैं ब्रश करके बाहर निकली तो मैडम उठ चुकी थी। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो काम ख़त्म करने के लिए, पर ऐसा कभी होता नहीं है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं चाय और नाश्ता, तो लेते हैं आपसे। तो बस नाश्ता हमारा हो गया रेडी। आज मैंने दोनों टाइम का खाना भी सोच लिया है क्योंकि शाम को वापस मेरी मेरा जो क्लासेस में वॉलंटियरिंग करती हूँ उसकी मीटिंग भी है, तो शाम को मुझे वो क्लासेस भी है। और फिर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बाकी सब करनी है। तो अभी से मैं, अगर अभी से आपके दिमाग में प्लान रहता है ना कि आपको सुबह ये खाना बनाना है, शाम को ये खाना बनाना है, तो कैसा है, थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते हो और उस हिसाब से आपका डे प्लान करते हो, थोड़ा इजी भी हो जाता है। तो आज मैंने कुछ भी प्रियांक को पूछा नहीं क्या खाएंगे, सब मैंने डिसाइड कर लिया क्योंकि हमारा पर्यूषण भी आ रहा है। तो उससे पहले अभी जो जो सब्जियाँ हमारे पास पड़ी है वो भी ख़त्म करते हैं क्योंकि हम पर्यूषण में सब्जियां भी नहीं खाएंगे। और बस हमारा नाश्ता हो गया रेडी, चाय करते हैं 4, और प्रियंक को भी उठाना। प्रियंक भी अभी तक सो रहे हैं, बज रहे 8:30, 8:20 का हो ही गया है और मैडम अपने नए खिलौने के साथ खेल रहे हैं मस्त। मुझे पूछ रही थी, मम्मा मारी माटे सू बनाओ छो, फिनिश થઈ ગયું તો હવે આપણે પરોઠું ખાશું। શું કરું? और ये देखो हमारे घर पे एक छोटी सी जीनी आ गई है। जीनी, ये क्या पहना है आपने सुबह सुबह? सुबह सुबह मम्मा ने कपड़ा पहना है। क्यों पहना है मम्मा ने कपड़ा? मैं पहना है। आपको बहुत पसंद है, दिखाओ दिखाओ। सो ये मेरा एक टॉप है जो नायरा ने पूरा गाउन बन गया है उसका, पर उसको पहनना है, उसको इतना पसंद है, पता नहीं क्या है, मे बी कलर और उस पर जो सब ओहो ओहो शू कहती थी तू नायरा, शू कहती थी तू, आ पेरा भी दो एना माटे शू कहती थी? थैंक यू। यहाँ पे हमारी मैडम रेडी हो रही है और उसका स्कूल बैग पैक करी। शू करे छे नायरा? पेक करू छु। पण એમાં કેટલું નાખશે?
मतलब बोल रही है अभी और जगह है तो उसमें और टॉय डालने हैं मुझे। मैं नहीं रहा, वी आर गेटिंग लेट, चलो 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 जे 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 दादा चलो। वाह वेरी गुड, बोलो नमो नमो रिकुतरो नमो फिरालो नमो आयरिया नमो उवाचायला ऐसा पंचम करो सब पर बन्नस मंगलो। अरे मादी को वेल डन, जय जिनेन्द्र, जय दिनी जेंजो। ओके लेट्स गो। नमो जयला नमो वेसा वसा होरा। गुड गर्ल, वेरी गुड। चलो जय जिनेन्द्र कह दो पापा ने। हगी जय जिनेन्द्र, हगी 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 हगी। स्लोली स्लोली देखो बज रहे हैं सुबह के 11। मेरा क्लीनिंग वीनिंग सब हो गया है, घर पे आके मैं काम पे ही लग गई थी क्योंकि भाई आज मेरा शेड्यूल बहुत ही टाइट है, बहुत सारे काम हैं ख़त्म करने हैं और फिर करके बर्थडे की प्रिपरेशन भी करनी है। एनीवेज अभी मैं लगती हूँ खाना बनाने में, मुझे ऐसे फ़ोन घुमाने में आज टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है क्योंकि मुझे थोड़ा प्रिपेयर भी करना है अपने क्लास के लिए जो मैंने आपको सुबह बताया था। तो जब तक मैं वो करती हूँ आप ये वीडियो देख लीजिए। कल शाम को हमारे घर पर कोई स्पेशल पर्सन आया था और उन्होंने नायरा को भी कुछ स्पेशल दिया है, तो जब तक हम ये सब काम निपटाते हैं आप वो देख लीजिए। अभी अभी नायरा के लिए अमेजोन से आया है एक पार्सल और नायरा इतनी खुश हो गई है वो पार्सल को देख के। भैया एक्सप्रेशन देखो नायरा की। आ नायरा शू आए वो किचन सेट देखो आए ने वॉशअप छे किचन सिंक छे पछि आमा तू बधा वासण धोईस देखो। हवे आने शू करवानू आपणे जो ई बेबी धोए छे। हां पछि तू बेबी बनीने धोईस ने बधा वासण आमाथी। तो ये है नायरा के लिए एक वॉशअप किचन सिंक। सो इसमें क्या है कि बच्चों को यहाँ पे जैसे हर काम हम खुद करते हैं तो ये बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। ओ डिटर्जेंट है हमारा, तो ये बच्चों को ट्रेनिंग देने में भी काम आता है। लेकिन फॉर नायरा इट्स अ टॉय, बट इसी बहाने वो सीखेगी कि यहाँ पे अपने को बर्तन भी खुद ही साफ करने खाना खाने के बाद। तो अभी हम लोग किसी के घर पे गए थे थोड़े दिन पहले, खुशबू गई थी नायरा को लेके, तो वहाँ पे उनका बच्चा कुछ ऐसी वॉशअप किचन सिंक से खेल रहा था। तो तब से नायरा का मन हो गया था कि मुझे भी लेना है, तो हमने फिर सोचा कि चलो मंगा लेते हैं अमेजोन से। तो अभी भाई कितनी खुश हो गई है मैडम नायरा, हैप्पी। तो अभी मैं बता दूँ आपको कि हमारे एक सब्सक्राइबर है प्रिया जी, वो अभी हमारे घर आ रही है। तो कुछ दिनों पहले हमने व्लॉग में बोला था कि प्रिया जी मुंबई से जब वापस लंदन आ रही थी तो हमारे लिए कुछ सामान लेके आ रही थी जो हमारे फैमिली मेंबर्स ने हमारे लिए नायरा के लिए भेजा था। सो शी हैज़ फाइनली कम एंड आज उनका फ़ोन आया था कि आज मैं आपके घर पे आऊँगी और आपका वो सारा सामान लेके जाऊँगी। एग्जैक्टली हमने बोला उनको कि हम आ जाते लेकिन शी इंसिस्टेड कि आपके पास कार नहीं है तो आप बेटर है कि आप लोग इतना हैसल मत लो, आई विल कम ओवर टू योर प्लेस। सो थैंक यू प्रिया जी। बस प्रिया जी का वेट हो रहा है, अभी थोड़ी देर में वो आएगी प्रिया जी के लिए, वहाँ पे नाश्ता बनने की तैयारी शुरू हो गई है, कुछ ही देर में प्रिया जी आ जाएगी, चलो आपसे मिलवाएंगे। So, प्रिया जी आ गई हमारे घर पे, आइए प्रिया जी। शी इज द स्टार ऑफ द शो। थैंक यू। यस अरे बस ने, यू आर मोस्ट वेलकम प्रिया जी, थैंक यू। आओ आओ, तो प्रिया जी आ गई है हमारे साथ, आइए प्रिया जी बैठिए। आप सबसे पहले पानी दो प्रिया जी को, थोड़ा बेचारी थक गई है, दो फ्लोर चढ़ के। सो नायरा जस्ट गॉट हर न्यू टॉय, सो शी इज ऑल एक्साइटेड अबाउट दिस। आपको
सो नायरा अभी यहाँ पे प्रिया जी को अपनी डॉली और अलग अलग टॉयज दिखाना कर दिया है शुरू। डॉली छे और डॉली नो नाम सु छे इनो नाम आप रे रख सु इने ड्रेस वाइन पेरो छे। और यहाँ पे नायरा की मुंबई से गिफ्ट आ गई है प्रिया जी जो लाई थी। नायरा सु छे आमा आ कोणी है पु हिरल पिया हां बाबू आ कोणी है पु तने नायरा आमा सु छे आजो हां आजो आजो ओ वाओ डॉली ओ वाओ डॉली कोण लायो डॉली कौन लाए वो? चाची ने थैंक यू कह दियो चाची ने थैंक यू कहो सो ये गिफ्ट भेजिए मेरी बहन हिरल ने लेकिन प्रिया जी यहाँ तक हमारे लिए लंदन तक लेके आई सो प्रिया जी थैंक यू अगेन। सो बस अभी हम लोग प्रिया जी के साथ थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं। सॉरी प्रिया जी आप कुछ कह रही थी I was there in Bombay, so and I follow you guys. So I thank you. No, why not? The helping is good. Thank you so much. तो प्रिया जी हमारी चैनल हमारे वीडियोज रोज देखती है। प्रिया जी कुछ कहना चाहेगी? यही कि it's all natural. You get to the point and finish it in good time without just for content making it long and long. ऐसा नहीं लगता ना आपको? ऐसा नहीं लगता हमारे वीडियोज कुछ ज्यादा ही लंबे हैं? बिल्कुल नहीं ना। गुड गुड। सो प्रिया जी यहाँ पे नायरा के लिए और भी गिफ्ट्स लाई है। ये प्रिया जी अपनी तरफ से दे रही है नायरा को लेकिन थैंक यू सो मच प्रिया जी। हगी हगी चाची ने हगी प्रिया जी हमारे साथ काफी देर बैठी हमने इतनी बातें की आज। प्रिया जी मैं हक से बोल सकता हूँ प्रिया जी अभी आप इनके साथ बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग इनको पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि हमारे घर पे कोई हमारा फैमिली मेंबर है ऐसा इनका पूरा आज इनके साथ जो भी हमने बातें की थी कि हमको लगा ही नहीं कि ये कोई बाहर के मतलब ये हमारे फैमिली मेंबर के जैसे हमारे हमारे साथ इन्होंने बातें की। सॉरी मेरे मुंह में पल्स है वो भी प्रिया जी मुंबई से लाई है वो लोग सब अभी पल्स खा रहे हैं। बट मुद्दे की बात यह है मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज हमने लंदन में एक और हमारा फैमिली मेंबर जैसा इंसान पाया है और ये कनेक्शन हमारा लंबा चलेगा प्रिया जी। हम मिलते रहेंगे बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग प्रिया जी। थैंक यू फॉर द सेव पूरी। आई होप आपको थोड़ी मुंबई की याद आ गई वैसे तो आप मुंबई जाके आई हो। बज रहे शाम के 6:30 और नायरा आ गई है नर्सरी से। और भाई अभी नायरा ना टीवी नहीं देखती है। नायरा क्या करती है? ये सो हमने रिसेंटली नायरा के लिए ये नया टॉय ऑर्डर किया था। ये देख सकते हो एक सिंक जैसा है जिसमें पानी आता है ये नल है। और यहाँ पे है किचन नायरा का किचन कुकटॉप। नायरा सु बनाए मुझे लंच बनाई हूँ। हाँ पच्ची चाय बनाई हूँ। वाओ पच्ची बनाई हूँ। हाँ पच्ची पापा ने लंच आई हूँ। वाओ मैंने टेस्टी टेस्टी स्ट्रॉबेरी। वाओ जूसी एंड टेस्टी स्ट्रॉबेरीज फॉर द लंच नायरा। यस। वाओ बाय द वे नायरा ते मने चाय आपी थी ने भी बहुत यम्मी हती। थैंक यू यम्मी नती। तो जो यहाँ पे देखिए चाय पोर हो रही है चाय। वाह 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 वाह। ओके और बन रही है चाय ना। अभी क्या बन रहा है नायरा? ओके सो ये देखिए ये कितना क्यूट सा सिंक है। इसमें सारे बर्तन आते हैं वॉशिंग लिक्विड जैसा भी सब आता है। ये देखिए ऐसे बंद हो जाता है। नायरा बताओ। सो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही पानी चालू हो जाता है। अभी इसके सेल जो है बैटरी ख़त्म होने आई इसके लिए पानी स्लो हो गए।
बट इट्स अ वेरी नाइस टॉय. हम हमारे एक फ्रेंड के घर गए थे, वहाँ पे ये देखा था, तो मुझे लगा नायरा को ये मिलना चाहिए. सो नायरा थोड़ी बिजी हो जाएगी, और वैसा ही हुआ, बिजी हो गई है. लाइक पिछले एक घंटे से खेल रही है एंड नो टीवी. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टॉय. नायरा वो फुल कर रही है. हाँ चलो करो चुप. बाकी वेदर की बात करें तो भाई आज का वेदर 28 डिग्रीज गया है. वो बात अलग है कि हमें यहाँ ये घर पे इतनी गर्मी नहीं होती है, वो एक अच्छी बात भी है. पर अभी कभी कभी डर लगता है कि भाई अभी गर्मी नहीं होती है तो शायद विंटर में बहुत ठंडी ना लगे. होपफुली नहीं लगेगी. और ये देखिए भाई प्रियांक को यहाँ पे ऐसे ही आडे पड़े हैं. आडे भाई ऑफिस खत्म होने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ में दिखता है. मेरा ये मेरा फेवरेट एरिया हो गया है. मेरा तो भी सुकून मुझे बेड पे सोने का नहीं मिलता ना, उतना सुकून मुझे सच में ये लिविंग रूम में इस पतली सी रग पे सोने का मिलता है. पूरे दिन की थकान मेरी ये रग पे बस सोने से उतर जाती है. वाह. बज रहे रात के 9:30. हम हो गए खाना वाना खा के फ्री. मैं कर रही थी थोड़ा एडिटिंग, और आपको दिखाती हूँ नायरा और प्रियांक क्या कर रहे हैं. ये देखो भाई, बाप बेटी मजे से टीवी देख रहे हैं. हाँ यहाँ पे हमारा चालू है. 8 बजे से ये लड़की बोल रही है पापा आई एम टायर्ड. अभी तक 9:30 बजे तक सोई नहीं है. बट ये बात सही पक्की है कि ये जो एरिया है ना हमारे घर का, ये हम लोगों का फेवरेट एरिया हो गया है. बेस्ट एरिया. और बेडरूम में भी नहीं जाते. हाँ मतलब हम लोग यहाँ पे ही पड़े रहते हैं. एडिटिंग करना है, टीवी देखना है, कुछ भी करते रहते, पर यहाँ पे बैठ के करते. इतना मस्त है ये कॉर्नर, और होना ही चाहिए सब घर में ऐसा एक कॉर्नर जहाँ पे यू नो सब कम्फर्टेबल हो, सब साथ में बैठ के ऐसे टाइम स्पेंड कर सके. और वैसे घर की बात कर रहे हैं तो जब तक ये वीडियो आप लोग देखोगे तब तक हमारे घर का होम टूर भी आ गया होगा. यस. एंड वीडियो में बताना कि आपको हमारा होम टूर कैसा लगा. हम वेट करेंगे आप लोगों के कमेंट की जानने के लिए कि आपको हमारा होम टूर कैसा लगा. अभी थोड़ी देर पहले फैबा का कॉल आया था, मतलब मेरे फैबा का कॉल. और क्या बताने के लिए आया था पता है? फैबा गए थे वहाँ, साउथ लंदन में रहते हैं, तो वहाँ पे वो सेंसबरी में गए थे. और वहाँ के सेंसबरी वाले स्टाफ ने फैबा को बोला, अरे आप तो खुशबू के फैबा हो, वो आपकी भतीजी है. हम तो प्रियांक और खुशबू के व्लॉग रोज़ देखते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है. सो ये सुनकर बहुत खुशी मिली. थैंक यू सो मच. और आपको और एक चीज़ बता दे कि हम अभी हमारा एनालिटिक्स चेक कर रहे थे, और पता चला अभी तक हमें लग रहा था कि इंडिया से ज़्यादा ऑडियंस देख रही है हमारी. बट आज देखा तभी पता चला कि 44% लोग, मतलब इंडिया से भी ज़्यादा लोग हमें यूके से देख रहे हैं. सो वाओ, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. और बाकी ये बता दे कि भाई हमारे जो टोटल व्यूज़ है उसमें से 72% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है. तो गाइज यार एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी. और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक और शेयर भी करो. तो बस मेरे ख्याल से आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे. मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में. तब तक के लिए बाय नायरा.